हेलो दोस्तों, प्रणाम। मेरा नाम है योगाचार्य अजय भगवान और अभी मैं हूँ हॉस्टल के अंदर और इसके बाद जा रहा हूँ मैं थोड़ी ज़रा बाहर प्रसाद मेडिकल की तरफ। सर का फ़ोन आया था मेरे को कि कुछ वहाँ पे कार्यक्रम है तो बुलाया उन्होंने मेरे को। मिलते हैं आपको आगे की ओर, बने रहे आप आगे। दिखाते हैं आज क्या है प्रसाद हॉस्पिटल में और क्यों जाना पड़ रहा है मेरे को। तो दोस्तों, आसमान की बात करें, आज तो काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है और मैं हॉस्टल से निकल चुका हूँ बाहर की ओर। और आज थोड़ी एक खुशखबरी है कि कई दिनों बाद मेरे पापा आ रहे हैं ऋषिकेश, कम से कम 6-7 महीने बाद मिलना होगा उनसे। तो आपको भी दिखाएंगे, मिलाएंगे आपको भी उनसे, बने रहें आप लोग। तो मिलते हैं आपको आगे और अभी मैं पहुंच गया हूँ नीरज भवन की तरफ। तो दोस्तों, अभी आ चुका हूँ मैं बस अड्डे की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज पापा जी ने भी आना है तो काफ़ी खुशी है, पापा जी आ रहे हैं तो मिलाते हैं आज आपको अपने पापा जी से। वैसे मेरे पापा जी पोस्ट ऑफिस में, तो घर ही में दौंतरी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो पोस्ट नहीं वाले होंगे वो। तो उन्होंने यहाँ से आगे का सफ़र करना है तो आगे की वीडियो में बताएंगे आपको कहाँ तक का सफ़र है उनका। तो ये पहुँच चुके हैं पापा ऋषिकेश और ऋषिकेश से जाएंगे पापा जी अभी दिल्ली की ओर, पापा जी को छोड़ते हैं। ये सामान यहाँ पर रख रखा तुम्हारा, तो ये कैसे सामान तुम्हारा? पापा जी को मिल चुका हूँ मैं जल्दबाजी में और जल्दबाजी में भी थे, गाड़ी लगी हुई थी तो पापा ने बोले यहीं से जाता हूँ डायरेक्ट, क्या करना है रूम पे। अगली बार अब ढंग से मिलाएंगे पापा जी को, देर हुई थी यहाँ पर, चलता हूँ रूम की। तो दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मैं प्रसाद हॉस्पिटल में और यहाँ पर आज आपको सूचित कर देता हूँ कि यहाँ पर लगभग 3,000 रुपये के टेस्ट सभी मुफ्त किए जाएंगे आज। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये टेस्ट सारे फ्री में होंगे, 3,000 रुपये निःशुल्क जाँच। तो अगर आप ऋषिकेश में हो तो ऋषि में से। और अब चलता हूँ मैं अंदर की तरफ, सर ने बुला रखा है तो थोड़ी जाना पड़ेगा। मेरा तो कोई टेस्ट नहीं है पर सर ने बोल रखा है, दिखाते हैं आपको आगे की ओर। अभी यहाँ पर कार्यक्रम चल ही रहा है। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम का स्टार्ट गणपति बाबा जी से स्टार्ट हो चुका है। देखता हूँ हर साल डॉक्टर साहब ये कैंप लगाते हैं और इसमें डॉक्टर साहब तन से, मन से, धन से और श्रम करके पूरा एक जो रोटरी स्प्रिट होती है वो भी दिखाते हैं कि यही रोटरी के सिपाही की पहचान है और डॉक्टर साहब हमारे रोटरी के सच्चे सिपाही हैं। हर साल इस कैंप को करते हैं निःशुल्क, मतलब बहुत दिल खोल कर इस कैंप को किया है। नई मशीन द्वारा जांच, 3,000 रुपये तक की निःशुल्क जांच। मैं इनको साधुवाद देता हूँ क्लब की ओर से, पूरे जोन की तरफ से। रहना है जीत तो सभी के दिलों को, यही रोटरी का कहना है। और तो यहाँ पर आप नहीं सर, नहीं है और फाइनली मैंने भी खा ही लिया है। दोस्तों, मिलते हैं आपको आगे, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर दवाइयाँ वितरण की जा रही है फ्री में, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी भीड़ लगी हुई है आज यहाँ पर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अब मेरा टाइम भी आ गया यहाँ से जाने को, तो मिलते हैं अब आपको आगे। तो दोस्तों, अभी आपको दिखाया मैंने प्रसाद हॉस्पिटल में था तो यहाँ पर बुला रखा था मेरे को तो भले कुछ नहीं है, कुछ जांच नहीं करवाई मैंने, क्योंकि करवानी भी नहीं चाहिए, फालतू दिमाग में वही रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए सर ने बोला कि कभी फुर्सत से आना,
जब टाइम मिले तुम्हारे लिए तो फ्री फ्री है, तो मिलेंगे अब आप लोगों को आगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज बहुत दिनों बाद पापा जी घर से आए, तो पापा जी ने मेरे लिए लाए यहाँ पर ये हरी सब्जी है और ये करेले हैं और ये कद्दू, कद्दू की सब्जी बन रही, कद्दू बोलते ही लौंगड़ा बोलते, तो ये आधा पीस ये रहा, आधा पीस ये है और आधा हमने बना दिया है। और ये घर का पिसा हुआ नमक है, ये घर का पिसा हुआ नमक लाया पापा जी ने, और कुछ मसाले होते हैं जो मुझे बिल्कुल धौंतरी से ही अच्छे लगते हैं, तो धौंतरी से मैं इन मसालों को मंगाता हूँ। एक किलो तक ये लाए हैं और एक दो ककड़ी ये लाई है, एक दो ककड़ी और एक किलो घी ये लाया है, ये एक किलो घी लाया है मेरे लिए। तो घर वालों को यार, तो दोस्तों घर वालों को तो फिक्र होती है कि बाहर है बच्चा, तो उसके लिए सामान ले चलते हैं। थोड़े बहुत चावल भी लाए हैं, चावल भी नीचे रख चुका हूँ मैं। तो मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हरिओम। मिलते हैं दोस्तों आपको।